नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपको दोस्त संचित स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी की और फाइनल हाँ बिल्कुल अगर ट्री हो सकता है और बहुत सारी ट्री अगर एक साथ हो तो फॉरेस्ट भी हो सकता है बैकग्राउंड क्या है लॉजिक क्या क्या करके समझाता हूँ आपको आ, पहले ये नीचे वाला सेक्शन मत देखना ये बीच में एक लाइन मान लीजिए ड्रॉ कर देता हूँ टू हैव अ क्लैरिटी लुक एट दिस ग्राफ एंड लेट मी से दिस इज आर नॉट थ्री एक कंपोनेट में अलग से और बना देता हूँ एम एन सो दैट एक सिंगल केस भी कवर हो जाए तब ऐसा मान लो दिस इज अ सिंगल ग्राफ है ना डिसकनेक्टेड है बट एक ग्राफ है सो ए बी सी डी ई एफ तक इधर है जी एच आई जे इधर आया के एल एम और एन हमारा उधर चला गया सो so एक सिंगल ग्राफ है जो कि डिसकनेक्टेड है अब जैसे हम स्पैनिंग ट्री फाइंड कर रहे थे अब अगर ग्राफ कनेक्टेड है है ना तो उसका जो सब ग्राफ होगा वो भी कनेक्टेड हो सकता है और उसमें आप ऑब्वियसली स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकते हो बट अब यहाँ सोचो क्या है अगर जो कैपिटल ग्राफ जी है अगर वो कनेक्टेड ही नहीं है तो उसका सब ग्राफ भला कनेक्टेड कैसे होगा तो क्या यहां स्पैनिंग ट्री की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं सर ट्री तो बन ही नहीं सकता ये बात खत्म हो गई क्लियर भी है समझ आ रहा है लेकिन अगर ग्राफ कनेक्टेड नहीं है तो इनको हम बोलते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या बोलते हैं वी कॉल देम कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने टुकड़े हैं साधारण भाषा में खराब भाषा में मान लेते हैं कितने टुकड़े हैं तो यहाँ पर चार कंपोनेंट है सर चार पीसेज है चार टुकड़े हैं जो अलग अलग हैं हम कहते हैं कोई बात नहीं अभी कुछ हाथ पैर तो मारते हैं पूरे ग्राफ के लिए हम एक सिंगल स्पैनिंग ट्री फाइंड नहीं कर सकते बट क्या हर कंपोनेंट के लिए स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकते हैं हाँ ये जरूर कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है सो देर यू सी अगर ये ग्राफ है यहाँ पर मैं नीचे आपको दिखा भी रहा हूं कौन कौन सी एजेस में लेके चला वो रैंडम है आप कोई भी एजेस ले सकते हैं लाइक दिस सो ये एक ट्री इधर से आपने निकाल लिया यहाँ पे यू नो इट वाज़ के फोर यहाँ से ये आपने पैटर्न निकाल लिया ये ट्राइंगल था दो एज इधर से निकाल लिया और ये तो एन का इन दो इट बी यस तो अब ये क्या हुए हर कंपोनेंट का एक छोटा छोटा स्पैनिंग ट्री है लेकिन अगर मैं इसे टुगेदर बोलता हूँ एक साथ बोलता हूँ तो लाव नाउ लेट मी कॉल दिस इज स्पैनिंग फॉरेस्ट अब समझ आए स्पैनिंग फॉरेस्ट क्या है हाँ तो अगर मेन ग्राफ कनेक्टेड है विल हैव स्पैनिंग ट्री अगर मेन ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, है ना देन यू विल हैव कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स हर कंपोनेंट में आप एक-एक स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकते हैं एंड हैविंग ऑल द स्पैनिंग ट्रीज टुगेदर उसको आप क्या बोलेंगे उसको आप बोलेंगे स्पैनिंग फॉरेस्ट ये पूरी कहानी है स्पैनिंग फॉरेस्ट की यहाँ पे एक चीज आपको समझाता हूँ जो बड़ी रिलेटेबल है छोटी सी प्रॉपर्टी टाइप है आजा भाई यस yes. और बात समझ आएगी मान लो एक ग्राफ के अंदर के नंबर ऑफ कम्पोनेंट्स आमतौर पर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है सो कंपोनेंट नंबर वन कंपोनेंट नंबर टू कंपोनेंट नंबर थ्री एंड अपटिल 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 इट हैज के नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यस नाउ लेट मी से कि कंपोनेंट फर्स्ट जो है सी वन उसके अंदर एन वन नंबर ऑफ वर्टेक्स है इधर n2 नंबर ऑफ वर्टेक्स है इधर n3 नंबर ऑफ वर्टेक्स है एंड टुगेदर हियर इट इज एन के यस yes, ये है नंबर ऑफ वर्टेक्स और ऑब्वियसली अगर आप बोलो तो अलग से लिख देता हूँ अगर हर कंपोनेंट के वर्टेक्स को मैं सम समूंगा एन वन प्लस एन के सो यूल कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर टोटल नंबर ऑफ वर्डिस कितने होंगे पहले कंपोनेंट में एन वन वर्ड दूसरे में एन टू लाइक दिस अब आप मुझे एक बात बताओ ट्री का और नंबर ऑफ ए का रिलेशनशिप तो हमें पता है बताए अगर पहले कंपोनेंट में एन वन नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं तो इस कंपोनेंट पे जो स्पैनिंग ट्री हमने निकाला उसमें बताओ एजिस्ट कितनी होंगी एजिज होंगी एन वन माइनस वन सिमिलरली इधर जो कंपोनेंट है इसका जो स्पैनिंग ट्री बनेगा उसमें एजिस्ट कितनी होंगी दैट विल बी एन टू माइनस वन इधर होंगी एन थ्री माइनस वन एंड देन सो एन एंड सो फॉर दैट विल बी एन के माइनस वन अब अगर इन सारी नंबर ऑफ एजिस को मैं सम कर दूं, बिकॉज दे आर नथिंग बट ब्रांच जो एज जो एज आ जाती है इधर आ, स्पैनिंग ट्री के अंदर उसको हम बोलते हैं ब्रांच तो ये क्या हो जाएगा n1 plus n2 plus n3 अप टू l अप टू के और इसको माइनस ये 1 1 1 1 1 माइनस कितनी बार हुआ के टाइम्स सो आई कैन राइट के और 1 से लेके n तक ये टोटल सम कितना होता है दिस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स सो द नंबर ऑफ ब्रांच इज रिड्यूस डाउन टू n k तो ये देखिए ये रैंक का हमने नया फार्मूला कैलकुलेट कर लिया फॉर अ डिसकनेक्टेड ग्राफ अगर ग्राफ कनेक्टेड है देन इट इज एन माइनस वन अगर आप डिसनेक्टेड है देन इट इज माइनस के क्रॉस चेक करा दू क्रॉस चेक कर लेते हैं जरा बताओ इस ग्राफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं भाई वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन सो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स है फोर्टीन माइनस नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने एक दो तीन और इस एन को मत भूलना ये भी जिंदा है शर्मिंदा है पर जिंदा है सो फोर्टीन माइनस फोर टेन आ गया जरा काउंट करना क्या इस स्पेन स्पेनिंग फॉरेस्ट के अंदर टेन ब्रांच आई है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फार्मूला बिल्कुल काम कर रहे हैं परफेक्ट तरीके से काम करेगा और आप चाहो तो क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो अगर ग्राफ कनेक्टेड होगा तो के की क्या वैल्यू होगी एक एक ही कंपोनेंट है आप के की वैल्यू वन रख के देख लो हम दोबारा पुराने फॉर्मूला में जा रहे हैं अच्छा अगर आपने नंबर ऑफ ब्रांच निकाल ली मेन काम तो वही था तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी होंगी सो टोटल नंबर ऑफ एजेस माइनस नंबर ऑफ ब्रांचेस विच इज एन माइनस के सो दैट विल बिकम ई माइनस एन प्लस के सो नाउ दैट विल बी द नलिटी और द नंबर ऑफ कॉर्ड्स तो आई थिंक इस हिसाब से इस पैटर्न से Uh, जो स्पैनिंग uh, ट्री के बाद स्पैनिंग फॉरेस्ट वाली टोटल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी हम स्टडी कर सकते हो ये डेरिवेशन भी आपको समझ आया होगा कहीं कोई क्वेश्चन मिले कोई आंसर यू नो कोई आइडिया होगा तो आई थिंक हंड्रेड एंड टेन परसेंट अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो आंसर कर सकते हो वीडियो पसंद आ रही है मेरा एफर्ट जेनविन लग रहा होगा तो लाइक करिए एक कमेंट छोड़िए आपको बताइए कैसा लग रहा है क्या कहानी है और आने वाली वीडियो में फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू करूँगा यस ओके सर थैंक यू सो मच दोस्तों अगर आप उसे सारा सिलेबस डेली थ्री आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनकेडमी प्लेटफॉर्म पर रफिल कोड यूज करिए के जी वाई टी टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा